दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा स्टॉक का एनालिसिस करके दूंगा जो कि अगले 3 से 6 महीनों के अंदर आपके एफडी से 10 गुना ज्यादा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों बात कर रहा हूं इस स्टॉक के प्राइस की, तो 265 रुपए करेंट में इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है। और यहां पे अगर हम कंपनी की बात करें तो पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड इस स्टॉक का नाम है। और ये कंपनी दरअसल करती क्या है दोस्तों, ये कंपनी तेल और गैस का प्रोडक्शन करती है, यानी कि स्पेशली इनका जो मेन काम है वो गैस का काम है। और ये गैस का प्रोडक्शन करके और गैस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इनका एक और सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर काम है, वो है तेल का। तो दोस्तों दोनों ही काम बढ़िया है और आपको पता है इनमें हमेशा लिक्विडिटी बनी रहती है। अब हम बात करते हैं इस स्टॉक के प्राइस की। तो करेंट में अगर इस स्टॉक के प्राइस को देखेंगे तो थोड़ा सा इंट्राडे के अंदर कहीं कहीं एक गिरावट देखने के लिए इस स्टॉक में मिल रही है। 300 तक ये हाई बनाया था, 300 से थोड़ा बहुत फिसलता हुआ नीचे साइड का यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम दोस्तों बात करें 1 महीने की, तो 1 महीने में लगातार 230 रुपए से इसमें एक अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिला। ये मोमेंटम कंटिन्यू था, लगभग 300 के आसपास से फिर से रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट 6 मंथ में अगर हम चार्ट का एनालिसिस करके देखते हैं तो ये पता चलता है कि यहाँ पे स्लो एंड स्टडी अपसाइड का मोमेंटम अभी भी बचा हुआ है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस स्टॉक में अगर आप होल्डिंग करते हो और होल्ड करके चलते हो तो लगभग 3.20% के आसपास डिविडेंड भी मिल जाता है। आपको एफडी में 6 से 7% का ईयरली रिटर्न मिलता है। यहाँ पे सिर्फ आपको डिविडेंड ही एफडी के आधा यानी कि 50% के आसपास मिल रहा है। कितनी अच्छी बात है दोस्तों। अगर हम और नीचे जाते हैं और यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो लगभग 6.83% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन इस स्टॉक से निकल के आ रहा है। अगर ईयरली हम ओवरऑल बात करें तो एक लमसम जो आरओई निकल के आ रहा है लगभग 38% के आसपास यहाँ भी निकल के आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब हम चार्ट के ऊपर समझते हैं कहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए और कहाँ पे मौका बनेगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, इस स्टॉक में 30 से 40% आप इजीली निकाल सकते हो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसका 30 से 40% शॉर्ट टर्म के अंदर यानी कि 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर इस स्टॉक में तेजी बनेगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब हम चार्ट को जब समझाएंगे तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे लगातार ऊपर से करेक्शन जैसा कुछ फॉर्मेशन इस स्टॉक में बना हुआ था, लेकिन काफ़ी लंबे के टाइम के बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो एरिया था कहीं कहीं यहाँ पे फ्लैट होता हुआ ये स्टॉक का प्राइस दिखाई दिया। और दोस्तों अच्छी बात अब ये है कि ये 250 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे चुका है। 250 के ऊपर ये 250 के एरिया था और इस ब्रेकआउट वाले एरिया के आसपास से देखेंगे तो इसने करीब 300 का हाई लगाया है और फिर से उसी सपोर्ट वाले जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी ये एक अच्छा मौका है जब यहाँ से फिर से पोजिशन बनानी चाहिए। और पहला टारगेट 300 का रखेंगे जो कि लगभग अगर हम यहाँ पे मेजर करते हैं तो कितने परसेंट के आसपास आ रहा है, लगभग 17% के आसपास आ रहा है। और फिर अगर 300, चूंकि ये 300 एक बार टच कर चुका है, 300 के ऊपर निकलते ही 350 और 400 के टारगेट के लिए रेडी हो जाएगा, जो कि ये शॉर्ट टर्म टारगेट दोस्तों मैं आपको बता के चल रहा हूँ। चूंकि ये वीकली टाइम फ्रेम का एक ब्रेकआउट है तो ये ब्रेकआउट कोई छोटा ब्रेकआउट नहीं होने वाला है। जिस हिसाब से यहाँ पे अगर इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करें, अगर यहाँ पे ये ओवरऑल 44% के आसपास का करेक्शन दिया है तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टारगेट की तो एटलीस्ट अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगभग कितने परसेंट का, 17% के आसपास का टारगेट मिला है, 40% इसीलिए मैंने बोला। तो दोस्तों ये एक अच्छे अपॉर्चुनिटी है जब पेट्रोनेट एलएनजी पे आप लोग अपना होल्डिंग लेकर चल सकते हैं। काफ़ी स्ट्रांग स्टॉक है। अगर इसकी हम बात करें ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन की तो वो भी आपने देखा कि स्ट्रांग है। ओवरऑल मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम पे चार्ट का एनालिसिस करके दिखाया। और यहाँ पे दोस्तों बात ये है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात तो कर रहे हैं लेकिन हम रिटर्न की बात करें तो ओवरऑल 5 ईयर में 3.74% के आसपास रिटर्न है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। लास्ट 6 मंथ से देखते हैं तो एवरेज 16.67% का रिटर्न, लास्ट
थ्री मंथ में भी लगभग 35% के आसपास का रिटर्न, लास्ट 1 मंथ में लगभग 17% का आरओई यहाँ पे मिल चुका है। तो काफी अच्छा यहाँ पे स्ट्रेंथ इस स्टॉक के प्राइस में मुझे दिखाई दे रहा है। तो करेंट में 250 रुपये के स्टॉप लॉस बनता है, ये बाइंग एरिया है। यहाँ से पहला टारगेट 300 होगा, नेक्स्ट टारगेट 350-400 का लेकर चल सकते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकली और फंडामेंटली चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, एक इजी टारगेट भी आपको यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से आपको स्टॉक का एनालिसिस मिलता रहे और इसी तरीके से आप मार्केट से पैसा रेगुलर निकालते रहो, और हमारे वीडियो से आपको अगर बेनिफिट रेगुलर मिल रहा है, तो दोस्तों फटाफट हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर डालिए। और अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तभी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और इसका बेनिफिट सबसे पहले आप उठा पाएंगे। दोस्तों हम मिलते हैं एक और नए लर्निंग एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।